लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड गियर पंप. पंप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, देयर क्लासिफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल्स हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक, दैट इज द एयर कंप्रेसर एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस. सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर कंप्रेसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर होता क्या है, क्या काम होता है कंप्रेसर का. सो आई होप के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन नोन कि व्हाट इज द कंप्रेसर और इसका क्या काम होता है, बट सम स्टूडेंट्स डज नॉट नो अबाउट द कंप्रेसर. सो जनरली कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस, या सिंपली इसको न्यूमेटिक डिवाइस भी कह सकते हैं, यानी कि दिस इज ए न्यूमेटिक और मैकेनिकल डिवाइस विच इंक्रीज द लो प्रेशर लिक्विड इंटू हाई प्रेशर लिक्विड, लो प्रेशर फ्लूड इंटू हाई प्रेशर फ्लूड. एंड के फ्लूड एंटर्स, यानी फ्लूड एंटर्स एट लो प्रेशर इन द कंप्रेसर एंड इट विल बी कंप्रेस. कंप्रेसर का नाम ही मतलब ऐसे कंप्रेस, यानी इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूड विच इज कमिंग इन साइड द कंप्रेसर. तो ये सिंपल से इसका काम होता है. As we have discussed about the working of the two-stroke engine and four-stroke engine, there is a process of the compressor. There was a process of compression, yes or no? Yes, sir. So what is the function of the compression? Compressor in case of the petrol engine or diesel engine, both the same. Yani we are increasing the pressure and temperature which is coming inside the cylinder. If in case of the petrol engine, the mixture of petrol and air comes inside the cylinder, so their pressure and temperature will increase. Their pressure and temperature are increased. In case of the diesel engine, the mixture of only air comes inside the cylinder. So the temperature of air, the temperature as well as the pressure of air is increased in case of the diesel engine. So we have already during the compression stroke, यानी कि during the compression process. So उसी से तुम्हारा यहाँ पर compressor, यानी कि I am relating this thing with the engine so that you will get the idea कि we have already discussed the compression process, we have already discussed. But now we will discuss the compressor, कि how it will work compressor. So simply compressor का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रेशर के दाब को, यानी कि अगर वो यानी कि फ्लूड के दाब को और ताप को बढ़ाना. दाब और ताप क्या होता है, दाब का मतलब होता है प्रेशर और ताप का मतलब होता है टेम्परेचर. सो टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूड, फ्लूड में क्या तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए टेक्निकल टर्म्स, दैट इज द फ्लूड. सो फ्लूड के अंदर जो तुम्हारी गैसेज भी आती हैं, ऑल टाइप्स लिक्विड आर कम अंडर दिस कैटेगरी. सो आई होप नाउ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन के व्हाट इज द कंप्रेसर. किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता, ये निकाल देना दृष्टि पे कभी इसमें लग गई. हाँ सो बताओ भाई कंप्रेसर के बारे में कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होता नहीं अप टू दिस पॉइंट. समझ में आ गया कंप्रेसर का सिंपली से डिवाइस है, यानी ये दिस इज ए न्यूमेटिक डिवाइस भी कह सकते हैं इसको, या सिंपली से इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूड, जो फ्लूड का प्रेशर इंक्रीज करने के काम आती है. बट अगर नाउ हमने कंप्रेसर को स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज़ अ एयर कंप्रेसर. सो एयर कंप्रेसर हैज़ बीन शोन टू यू, एक सिलेंडर है उसके बाद ऊपर मोटर लगी हुई है और दिस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगी हुई है इसमें, तो एक कंप्रेसर हैज़ बीन शोन हियर. बट इफ आई एम सेइंग के एयर कंप्रेसर, तो इसका मतलब सिंपली हो गया कि वी आर यूजिंग दैट कंप्रेसर टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी हम एयर का प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. एयर कंप्रेसर, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द एयर कंप्रेसर. इफ द द कंप्रेसर व्हिच वी आर यूजिंग, दैट इज वी आर यूजिंग दैट कंप्रेसर फॉर द एयर, और एयर इज यूजिंग एज द फ्लूड, यानी कि अगर हम फ्लूड उसमें एयर का यूटिलाइज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग द फ्लूड एज द एयर, दैन इट इज नोन एज द एयर कंप्रेसर, या सिंपली वी आर वर्किंग ऑन द एयर, या एयर पर हम वर्क कर रहे हैं तो उसको हम एयर कंप्रेसर कहेंगे. बात समझ में आ गई नहीं आ गई यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Nowadays, compressor is playing a very versatile role. Number of application are some of the application. Hey, boy, तो भी क्यों जाती सुन रही हो? मैं तुझे सुन लूँ. मैं तो अपने ना कर रहे. ये करी तो बीच में कर रही.
कौन देव दोस्त है भाई, कौन है किसी ने वीडियो चला दिया, ये ऑडियो चला गया। सर शर्म भाई कौन हो गया था किसी का माइक बंद रखिए आप लोग अपना। सो सम ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन शोन हियर, ये कुछ एप्लीकेशन है कि एयर मतलब एयर कंप्रेसर इज यानी कि कंप्रेसर इज प्लेइंग वर्सेटाइल रोल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक एप्लीकेशन। सो न्यूमेटिक टूल्स लाइक द ड्रिलिंग करने में, हैमरिंग करने में, रिवेटिंग करने में हम जो कंप्रेसर का यूज करते हैं, एयर फिलिंग करने में ऑब्वियसली बात है कि व्हेन यू आर विजिटिंग द एनी ऑपरेटर वेयर एयर इज फिलिंग एनी शॉप वेयर इज ऑपरेटिंग यानी कि एनी सेंटर वेयर एयर इज फिलिंग द टायर आइदर इट इज ऑटोमोबाइल साइकिल और समथिंग एल्स, तो वही एयर यूज करेंगे कंप्रेसर वहाँ पे। स्प्रे पेंटिंग में भी यूज किया जा रहा है नाउडेज। इंक्रीजिंग द इनलेट प्रेशर ऑफ द आई सी इंजन का प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज कर रहे हो। एयर मोटर माइंस में जो एयर मोटर यूज की जाती है उसमें यूज किया जाते हैं, पंपिंग ऑफ वाटर में और गैस टर्बाइन पावर प्लांट में उसको यूज करते हैं। गैस टर्बाइन पावर प्लांट यानी कि वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाई यूटिलाइजिंग द गैस। या सिंपली हम और वेरी सिंपल कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारे ये एरोप्लेन वगैरह होते हैं जेट इंजन होते हैं, इसमें जो है तुम्हारा कंप्रेसर लगा होता है। जेट यानी कि जो ये तुम्हारा जेट मोकी वगैरह होते हैं इसमें भी तुम्हारा कंप्रेसर होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसर। नाउ वी विल मूव द अहेड यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर। सो जनरली एयर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग यानी कि मेथड ऑफ कंप्रेसर। इफ द कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर इज वर्किंग ऑन द रेसिप्रोकेटिंग टेक्नोलॉजी दैन इट इज नोन एज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। If it is working on the rotary compression, या जो centrifugal dynamic action के अंदर जानी जो है rotary और centrifugal बहुत आ रही है rotary as well as the centrifugal बहुत आ रहा dynamic type of action। And according to the fluid use, यानी कि according to the अगर हम if we are using the air in that compressor then it is known as the air compressor, if we are using the gas then it is known as the gas compressor, if we are using the vapor then it is known as the vapor compressor। So according to the fluid, जो भी हमें fluid compress करना है उसकी बेसिस पर भी हम कंप्रेसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और सिंपली यानी कि क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग टू इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द फ्लूड। एयर को अगर एयर हो कोई भी हो एयर हो या कुछ भी हो इस मोटे मैटर हम सिंपली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन है। तो रेसिप्रोकेटिंग रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स, सो वी आर मूविंग एहेड यानी कि दीज आर द सम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये ब्रीफ आइडिया है क्लासिफिकेशन का। सो इन योर सिलेबस यानी कि वी हैव द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इन योर सिलेबस वी हैव द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। आफ्टर दैट उसके यानी कि पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें और ये होता क्या है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये देख लें, उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। सो ए डायग्राम हैज बीन शोन टू यू जस्ट सिमिलर टू द अगर इफ आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन तो दिस इज सिमिलर टू द आई सी इंजन और नॉट, बताइए। यस या नो? अरे यस सर, इट इज सिमिलर टू आईसी इंजन और नॉट? यस सर। वन मोर थिंग यानी कि वी हैव टू रिमूव दिस आल्सो, आईसी इंजन में ये भी नहीं होता है, मोटर वगैरह नहीं होती है। सो जनरली यानी कि पहले तो ये इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो तुम्हारा किसका होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें हम क्या प्राइम मूवर यूज कर रहे हैं यानी कंप्रेसर को रन कराने के लिए हम क्या डिवाइस यूज कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी कंप्रेसर इज रन बाई एनी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस, या तो हम उसमें कोई इंजन यूज करेंगे उसको रन कराने के लिए या फिर उसके हम मोटर यूज करेंगे। तो नाउडेज जो है टेक्नोलॉजी जो कहती है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी एज द आई सी इंजन जो है तुम्हारा दे आर नंबर ऑफ डीमेरिट एसोसिएटेड विद द आई सी इंजन। सो नाउडेज इलेक्ट्रिक मोटर हैज बीन रिप्लेस यानी कि IC engine has been replaced by the electric motor. Electric motor जो है तुम्हारा जो है electrical machine ने जो है तुम्हारा कैप्चर कर लिया है in place of the यानी IC engine का पार्ट जो है किसने कैप्चर कर लिया है, motor ने कैप्चर कर लिया। तो generally motor we are using here the motor to run this
कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या चलाएंगे, मोटर इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को रन कराएंगे। सो मोटर जब रन होगी तो हमारा ये कंप्रेसर भी उसी के साथ स्टार्ट होगा। अंटिल अनलेस वी आर नॉट स्टार्टिंग द मोटर दिस कंप्रेसर विल नॉट वर्क। सो मेन यानी कि दिस इज द मेन प्राइमरी सोर्स टू रन द कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर रनिंग ऑपरेशन में तब आएगा when we have already started the motor। जब तक हम मोटर को स्टार्ट नहीं करेंगे दिस कंप्रेसर विल नॉट वर्क, यानी कि ये तुम्हारा काम नहीं करेगा और इट विल नॉट कम इन टू द एक्शन। सो अप टू दिस पॉइंट क्लियर? अरे सुनो बताओ। तो जनरली इसमें यानी कि वी आर सेइंग कि हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सो वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं। सो सिंपली रेसिप्रोकेटिंग पंप वो होते हैं कि दैट आर मूव योर लेफ्ट या राइट मूव करें या अप एंड डाउन मूव करें, यानी कि आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपनी पोजिशन को रिपीट करते रहे। ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो सेम यहाँ पे भी क्या तुम्हारा ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। सो वी हैव ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो कंपल्सरी है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो कंपल्सरी है। यस या नो? यस सर। तो वी हैव दिस, यानी कि ये हमारा जो ये है ये तो हमारा सिलेंडर हो गया इसमें, तो हमारा ये पूरा ये सिलेंडर हो गया, ये पूरा का पूरा सिलेंडर हो गया। ठीक है आपको दिस पॉइंट, ये हमें क्लोज सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो सिलेंडर हो गया। समझ आ रही बात? ये सिलेंडर आ गया हमारा। अब सिलेंडर के बाद क्या है, सिलेंडर ये आ गया, सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन होगा जो अप एंड डाउन मूव करेगा। यस या नो? रेसिप्रोकेटिंग में। सो वी हैव दिस पिस्टन व्हिच विल मूव अप एंड डाउन। उसके बाद हमारा ये कनेक्टिंग रोड है एंड कनेक्टिंग रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। वो तुम्हारा क्रैंक से कनेक्ट रहेगा, यानी क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहेगा। क्रैंकशाफ्ट इज मेड टू रोटेट बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से हमने क्रैंकशाफ्ट को डायरेक्टली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कपल कर दिया है। देयर इज ए कनेक्शन, मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन द क्रैंकशाफ्ट एज द शाफ्ट ऑफ द मोटर। सो व्हेनेवर द मोटर विल रोट तो उसकी शाफ्ट भी रोटेट करेगी, और जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो शाफ्ट ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड विद द शाफ्ट क्रैंकशाफ्ट। सो क्रैंकशाफ्ट विल आल्सो रोटेट। यस या नो? यस सर। एंड हेयर वी विल गेट द सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ये रोटेशनरी मोशन मिल रहा है हमें, सर्कुलर मोशन मिल रहा है। बट वैन दिस क्रैंक ये नीचे की पोजिशन में होगी, या ये वाला पोर्शन ये नीचे की पोजिशन में होगा, तो हमारा पिस्टन जो होगा वो डाउनवर्ड यानी कि तुम्हारा बॉटम डेड सेंटर में होगा। और जब ये तुम्हारा मूव करके यानी कि इसकी पोजिशन चेंज हो गया वो ये इस पोजिशन में आ जाएगा। जब इस पोजिशन में आ गया तो हमारा ये पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा भाई? वेयर इट TDC पर यानी कि तुम्हारा अपर पोजीशन में पहुंच जाएगा, अपर मोस्ट पोजीशन में। और ये तुम्हारा जब नीचे वाली पोजीशन में होगा तो लोअर मोस्ट पोजीशन में होगा। सो ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कैसे कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कैसे काम करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हमारा जो यहाँ पर मोटिव है, वी आर लर्निंग हेयर द वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अपार्ट फ्रॉम दिस मैकेनिकल अरेंजमेंट यानी कि कंप्रेसर के अरेंजमेंट से अलग, इसमें एक पार्ट और होता है, दैट इज नोन एज द स्टोरेज टैंक, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोरेज टैंक के वेयर वी विल बी स्टोर द कंप्रेस्ड एयर। अगर ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर तो दैट्स सिंपली इट्स मीन के वी आर कंप्रेसिंग द एयर। सो देर इज ए स्टोरेज टैंक इज रिक्वायर्ड, देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टोरेज टैंक टू स्टोर दैट कंप्रेस्ड एयर। यानी जो एयर हमने कंप्रेस की है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से या किसी भी टाइप के कंप्रेसर से, तो देर इज़ ए रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्रेसर, स्टोरेज मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड दैट स्टोरेज मीडियम इज नोन एज द स्टोरेज टैंक। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तुम्हारा ये हमारा स्टोरेज टैंक हो गया। स्टोरेज टैंक में यानी कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कंप्रेस्ड एयर को। सो कंस्ट्रक्शन इसको सबकी समझ में आई नहीं आई, इसलिए बताइए कंस्ट्रक्शन सबको, इसके बाद हम वर्किंग की तरफ मूव करें। आगे सबको समझ में आई? ओके नाउ यस सर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सो जनरली एज वी नो द वर्किंग ऑफ द आईसी इंजन की वर्किंग हम जानते हैं, तो आईसी इंजन की वर्किंग और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्किंग अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब इसमें सेम क्या है,
असेंबली यानी वी हैव ए सक्शन वाल्व हियर, सक्शन वाल्व हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है। सो जब ये रोटर हमारा यानी कि जब हमारा ये मोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जब ये मोटर हम स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यस या नो बताइए। प्राइमरी क्या करेंगे, वी विल यानी कि प्राइमरी ऑपरेशन यानी वर्किंग की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, सो वी विल बी स्टार्ट विद द प्राइम मूवर एंड हियर द प्राइम मूवर इज द मोटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्विच ऑन द मोटर, हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे। सो व्हेन वी विल स्विच ऑन द मोटर, मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट एंड द शाफ्ट ऑफ द यानी कि वी विल गेट द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द मोटर। नाउ दैट पावर इज यूटिलाइज टू रन द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये पहला स्टेप इसका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टर्न ऑन द यानी स्विच ऑन द मोटर। से जैसे हम मोटर को स्विच ऑन करेंगे, सो स्विच ऑन होने से वी विल गेट द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द मोटर, हमें शाफ्ट पे यानी मोटर की शाफ्ट में पावर मिलेगी एंड दैट शाफ्ट ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट। सो वो पावर क्या करेगी, हमारी जो पावर हमारी मोटर पे मिल रही है दैट इज यूटिलाइज टू रन द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट हमारी जब रोटेट करेगी तो क्रैंक शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड तो कनेक्टिंग रोड जो तुम्हारा मूव करेगी, कनेक्टिंग रोड के मूव करने से हमारा क्या होगा, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगी। तो ये तुम्हारा ये समझ में आना चाहिए, ये इसकी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये समझ में आ नहीं आया सबको, पहले ये बताइए। ना इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट अवर पिस्टन इज एट टीडीसी, इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट अवर पिस्टन इज एट टीडीसी। नाउ व्हेन दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी व्हाट विल व्हाट इज हैपनिंग देयर, एनीवन टेल मी क्या होगा भाई, व्हेन दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी व्हाट विल हैपन, और वैक्यूम की वजह से एयर अंदर आएगी। वेरी गुड, यानी कि जो तुम्हारा ये होगा यानी कि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, यानी कि व्हेन द पिस्टन विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द टीडीसी टू बीडीसी, सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी जैसे थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करेगी, सो प्रेशर डिफरेंस यानी ए वैक्यूम विल बी क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर एंड ड्यू टू द क्रिएशन दैट वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब सिंपली ये हो गया द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर बिकम्स लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। वही तो वैक्यूम होता है, जैसे कि हम सिरिंज से जो है मेडिसिन को सिरिंज के अंदर पिस्टन जो लगा होता है उसको जो हम पुल करते हैं, सिरिंज की जो पिस्टन होती है तो लिक्विड मेडिसिन सिरिंज के अंदर आ जाती है। सेम वे व्हाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा, वैक्यूम क्रिएट हो रहा। सिमिलरली व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी ए वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर एंड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दैट वैक्यूम प्रेशर डिफरेंस सक्शन वाल्व विल ओपन, सक्शन वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा यानी ये हमारा जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा एंड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ दैट वाल्व द एयर फ्रॉम दिस पाइप इज जस्ट कम इनसाइड द सिलेंडर एंड दिस इज नोन एज द सक्शन ऑफ द एयर, यानी हमारा ये प्राइमरी स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। सो ये कब तक एयर इसके अंदर आएगी भाई, अनटिल अनलेस द पिस्टन इज मूविंग अप टू द बीडीसी, जब तक हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक नहीं पहुंच जाएगा इसके अंदर सारी की सारी एयर जो है सिलेंडर के अंदर आ जाएगी सक्शन वाल्व के ओपन होने से। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई बताइए भाई सर, कि हाउ द एयर इज जस्ट कमिंग इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कैसे सबको समझ में आ गया कि एयर कैसे आ रही है, यस या नो? यस सर। ओके नाउ एक स्ट्रोक हमारा यानी सक्शन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा यानी कंप्रेशन ऑफ एयर होगा। अब कंप्रेशन ऑफ एयर में क्या होगा, पिस्टन इज नाउ एज बीडीसी, पिस्टन हमारा बीडीसी पे और हमारा मोटर जो है डायरेक्टली यानी कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो उसकी शाफ्ट भी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होगी, तो ड्यू टू द कंटिन्यूशन रोटेशन नाउ पिस्टन इज मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन जो है तुम्हारा बीडीसी से टीडीसी की तरह मूव करेगा यानी लोअर यानी के बॉटम डेड सेंटर से अपर डेड सेंटर की तरह मूव करेगा, यस या नो बताइए। यस सर। सो एज द पिस्टन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी जो एयर उसके अंदर आई है सिलेंडर के अंदर, सक्शन वाल्व हमारा बंद हो गया है, दोनों वाल्व हमारे बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व भी हमारा बंद है, सक्शन वाल्व भी हमारा बंद है, सो जो एयर जो है सिलेंडर के अंदर आ गई है जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा या नहीं होगा आप बताइए।
होगा सर, होगा होगा सर। भाई जो एयर उसके अंदर सिलेंडर के अंदर आई है उसका वॉल्यूम कम होगा नहीं होगा जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा? कम होगा सर। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ जो भी हमारे लॉ होते हैं कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है नहीं होता है? यस सर। यानी अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा जो भी लॉ होता है चार्ल्स लॉ जो भी रूल होता है, तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ प्रेशर यानी कि वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई इसका प्रेशर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यस या नो बताइए सब लोग? यस सर। सो अभी हमारा पिस्टन टीडीसी पे भी नहीं पहुंचा है और एयर जो है हमारा कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया है, एयर का यानी कि प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। सो जस्ट पिस्टन जैसे ही तुम्हारा टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया होगा जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना प्रेशर जो है एयर का यानी एयर उतनी कंप्रेस हो गई होगी इनसाइड द सिलेंडर। नाउ जैसे ही पिस्टन हमारा टीडीसी पे पहुंचेगा, पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर एंड मैकेनिज्म, मैंने पहले बताया एक कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट में हमारे स्लॉट लगे होते हैं, ड्यू टू दैट स्लॉट यानी दैट मैकेनिज्म हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ दैट एग्जॉस्ट वाल्व जो कंप्रेस एयर है वो तुम्हारी क्या तुम्हारा सिलेंडर से कहाँ चली जाएगी भाई, पाइपलाइन के थ्रू स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक में चली जाएगी। वेरी गुड, एज यू कैन सी कि हमारी जो एयर पहले ये थी हमारी ग्रीन थी, नाउ आफ्टर कंप्रेसिंग इट्स बिकम्स ब्लैक एंड आफ्टर बिकमिंग ग्रे कलर नाउ इट इज स्टोरिंग इन द टैंक, ये टैंक को हमने स्टोर कर लिया। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वर्किंग थी, ये वेरी सिंपल वर्किंग है, किसी को ना समझ में आया हो तो आई कैन रिपीट इट अगेन, अगर समझ में आ गया हो तो बताइए। आ गया सर। सिंपल सी इसकी वर्किंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द मोटर, मोस्टर यानी कि मोटर इज द प्राइम मूवर हेयर, जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट होगा मोटर से हमें पावर मिलेगी, वो पावर को हम यूटिलाइज करेंगे क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए, क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट होगी यानी कि रोटेटरी मोशन मिलेगा तो क्रैंक शाफ्ट से हमारा डायरेक्टली कनेक्टिंग है कनेक्टिंग रोड वो रेसी रोटेटरी मोशन को यानी सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगी। हमारी जो क्रैंक शाफ्ट का क्या काम करेगी, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट जो दोनों क्या काम करेंगी, दे विल कन्वर्ट द रोटरी यानी कि रोटेशनल मोशन इनटू द लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी पिस्टन विल मूव अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर, वी आर प्रोवाइडिंग द रोटरी मोशन टू द क्रैंक शाफ्ट एंड यानी रोटरी पावर टू द क्रैंक शाफ्ट, नाउ दैट क्रैंक शाफ्ट इज कन्वर्टिंग द रोटरी पावर इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कि नाउ पिस्टन इज मूविंग बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इन रेसिप्रोकेटिंग मैनर, व्हेन द इनिशियली वी आर अस्यूमिंग दैट आवर पिस्टन इज एट टीडीसी, तो व्हेन आवर पिस्टन इज एट टीडीसी इनलेट यानी हमारा सक्शन वॉल्व जो है हमारा ओपन हो जाएगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी टू बीडीसी, ए वैक्यूम विल क्रिएटेड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड वैक्यूम, सक्शन वॉल्व इज ओपन and due to the opening of the suction valve the air is just come inside the cylinder where up to the piston is moving TDC, jab tak hamara piston BDC tak na pahunch jaye sara air cylinder ke andar aa jayega, now piston again move from BDC se TDC ki taraf move karega, niche se upar ki taraf move karega, to jo air tumhara is cylinder ke andar aaya hai wo kya hoga tumhara uska volume kam hoga, तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम अगर कम होगा तो हमारा प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, सो एयर का प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा उस प्रेशर की वजह से हमारा और मैकेनिज्म की वजह से हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने की वजह से हमारा तुम्हारा जो कंप्रेस एयर है वो तुम्हारी स्टोरेज टैंक में हमारी स्टोर हो जाएगी यानी सेंड कर दी जाएगी। So this is the working of the reciprocating air compressor. सबको समझ में आ गया है नहीं आया है बताइए भाई सब लोग? Yes sir. So this is about the working of the reciprocating compressor. ये हमारा reciprocating compressor की working है और आई होप के सबको समझ में आ गया होगा। So आज के लिए इतना ही, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए मुझे, anyone have any type of query you can tell me. कोई क्वेरी तो नहीं किसी?